मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे फेमस जोड़ियों में से एक है। दोनों ही हाल ही में शादी के बंधन में बंधे हैं। कियारा और सिड ने जैसलमेर में स्थित सूर्यगढ़ फोर्ट में शादी रचाई थी, जिसके बाद दिल्ली और मुंबई ग्रैंड रिसेप्शन भी दिया था, जिसमें बड़े बड़े स्टार्स ने शिरकत की थी। कियारा और सिड की शादी पिछले हफ्ते लगातार सुर्खियों में छाई रही। अब शादी के बाद दोनों अपने काम पर वापस लौट आए हैं, यानी पर्सनल लाइफ से बाहर निकलकर प्रोफेशनल लाइफ पर फिर से दोनों ने ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसी बीच दोनों की प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल काफी टाइम से ऐसी खबरें आ रही है कि बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर करण जौहर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के साथ 3 फिल्मों की डील साइन की। काफी दिनों से खबरें आ रही है कि करण जौहर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के साथ 3 फिल्में साइन की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शादी होते ही करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन के तले इस कपल को 3 फिल्मों के लिए कास्ट कर लिया है। जब से ये खबर सामने आई है तब से सिड और कियारा के फैंस खुशी से झूम उठे हैं, लेकिन अब लगता है कि इन दोनों के फैंस को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल 3 फिल्में साइन करने वाली खबर एक महज अफवाह है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सिड और कियारा दोनों ही करण जौहर के बेहद करीब है और करण जौहर नहीं चाहते कि ये दोनों ही किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधे। अगर करण जौहर उन्हें कोई फिल्म ऑफर करेंगे तो ये कपल तुरंत फिल्म के लिए हाँ कर देगा। ऐसे फिल्म के लिए डील साइन करने वाली बात महज अफवाह है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करण जौहर ने भी इस खबर पर रिएक्शन देते हुए इस खबर को गलत बताया है। सिड और कियारा फिलहाल करण जौहर की फिल्म नहीं कर रहे हैं। बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी पहली बार फिल्म शेरशाह में नजर आए थे। इस फिल्म को भी करण जौहर के बैनर तले बनाया गया था। दोनों की जोड़ी को फिल्म में काफी पसंद किया गया था। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई शेरशाह ने कई बड़े रिकॉर्ड्स भी बना डाले थे। कहा जाता है कि फिल्म शेरशाह के सेट पर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थी और वहीं पर दोनों ने फैसला किया था कि अफेयर को गुपचुप रखते हुए सीधे शादी करेंगे। फिल्म के सेट पर ही दोनों का प्यार परवान चढ़ा था। वहीं अब दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। बात करें दोनों की आने वाली फिल्मों की तो जहां सिद्धार्थ फिल्म योद्धा को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, वहीं कियारा कार्तिक आर्यन के साथ एक रोमांटिक फिल्म में नजर आने वाली है। इसके अलावा वो रामचरण के साथ भी काम कर रही है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।